मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कैसा उड़ा कबूतर, बहुत बेहतरीन उड़ा कबूतर का जवाब ही नहीं है भाई, बहुत बड़ा कबूतर कबूतर का कोई तोड़ ही नहीं है। पहला हाथ तो गया था कबूतर, पर अगले हाथ जो गया भाई कोई दौड़ नहीं था उस कबूतर का। क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा गर्मी उड़ाने के लिए? सबसे पहले तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपना सबसे बात जो है ना रख रखाव की बात है उस्ताद, बाद में पहले रख रखाव है। जो सबसे अच्छी खूबी लगी उस्ताद, कबूतर लड़के जो छनके गए हैं वो काबिल तारीफ, वो हमारा बहुत बढ़िया छनके निकल। हमारे जौहर भाई का स्वागत हो रहा है, बहुत लोगों का हौसला अफजाई करते हैं भाई, बहुत अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका जहूर आपके हुजूर, क्या हाल है, कैसा रहा एक्सपीरियंस विनय भाई के गर्मी के शौक का? खाना लाजवाब, आठबाजी हुआ, मज़ा आया और आप लोगों को भी मज़ा आया, आपके कमेंट देख के पढ़ के पता चल रहा है। तो एक पार्ट में शौक था तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, इसलिए मैंने जो सैलानियों के कमेंट्स थे उनका क्या कहना था, उनको कैसा लगा शौक, वो फिर उस्तादों का सम्मान और जो आए थे छत पर दूसरे तालीम के खलीफा उनका स्वागत सम्मान, और फिर मैंने उस्ताद से जानने की कोशिश की है कि क्या रख रखाव है, किस चीज़ पर ये कबूतर उड़ रहे हैं इस तरीके से, देखो क्या बताया उन्होंने, आइए देखते हैं। हमारे मनमोहन भाई है भाई, ये भी बहुत अच्छा शौक करते हैं। मनमोहन भाई कितने दिन से कबूतर देख रहे हो? मैं 3 दिन से देख रहा हूँ। कैसा उड़ा कबूतर? बहुत बेहतरीन उड़ा, इलाके में हवा बिल्कुल जिस हवा की खाने की थी उसी खाने पे कबूतर था, और जो कह रहा है वो गलत कह रहा है कि पुरवा की ये हवा थी और ये हवा थी। अरे किसी के कहने ना कहने को, मैंने क्या कहा झंडे की हवा को बनवाइए वीडियो और जो बोले उसको झंडा दिखाओ, बिल्कुल हवा के खाने। कबूतर की कंडीशन क्या थी खुलने के बाद? कबूतर गया बिल्कुल, कबूतर खुलने के बाद बैठा, हर रात गया, हर रात गया, और आज तो इनने वो करिश्मा करके दिखाया तो लड़ने के बाद छन के कबूतर ऐसे निकल गए, ऐसे कोई कुश्ती ली नहीं। एक जोरदार तालियां मारो कबूतर के लिए। और मैंने आज तक नहीं देखा, मैं खुद उड़ता मेरा, लेकिन इतना पट मैंने अपना भी नहीं देखा जो आज ये बिल्कुल बाड़े के मकानों में लगता हुआ गया भाई। कबूतर मैंने देखा भाई, जोरदार तालियां मारो उस्ताद बब्बी के लिए। और आपने देखा था ना, बिल्कुल आपने भी देखा भाई, मैं भी 2 दिन तो मैंने देखा कबूतर, आज जो पट गए मेरी बड़ी हुई है, आज जो बिल्कुल पट गए, बिल्कुल पट हो गए आज, बिल्कुल बिल्कुल पाड़े के मस्जिद का बिल्कुल नीचे से निकल के गए भाई। आप भाई आपका नाम? भाई कहाँ से हैं आप? गंडागढ़ से भाई। भाई कबूतर की कंडीशन क्या, कैसा रहा कबूतर? कबूतर भाई बहुत बढ़िया लगा भाई, शौक भाई का देख रहे हैं बहुत दूर से भाई, और पट होके गया भाई, जिस खाने से गया उसी खाने से आया भाई। भाई अगर इतिहास के बारे में कोई तुम्हारे उधर भाई, तुम्हारा भाई या कोई तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें कहीं काम से भेजा कबूतर भाई और चले आओगे भाई, पहले कबूतर भाई देखेंगे भाई, काम बाद में देखेंगे भाई। इस मौसम में आके जैसे का पसीना आ रहा है, क्या क्या एहसास, क्या एहसास हुआ चीज का भाई? शौक लगा है तो भी आया। अरे क्या एहसास हुआ कबूतरबाजी के, कबूतरबाजी के अंदर क्या एहसास, और कबूतर देख के ये हमारे दारा भाई, भाई बड़ा लाजवाब शौक करते हैं, और दो पार्टी के बीच में शौक हुआ था उस्ताद चांदी और उस्ताद कपिल के, और बेहतरीन शौक हुआ था ये, पर ये भाई भाई कबूतर का जवाब ही नहीं है भाई, बहुत बढ़िया कबूतर, बहुत अच्छा उड़ा कबूतर, मैं कह रहा हूँ गर्मी के अंदर बहुत बढ़िया उड़ रहा कबूतर, तारीफ वाली बात है संजू भाई। सर्दियों में तो कबूतर मैंने इतना पट नहीं, पर मैंने गर्मी में उड़ते हुए नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, नहीं देखा, बहुत पट है, बिल्कुल चपकता चला जा रहा जमीन में भाई। जोरदार तालियां हमारे धारा भाई के लिए भाई। भाई भाई क्या नाम है? शम्मी नाम है भाई। शम्मी भाई कबूतर कैसे उड़ा हमारे उस्ताद बब्बी का? कबूतर का कोई तोड़ ही नहीं है, और इतना लाजवाब कबूतर उड़ा है, कबूतर परों में लगा हुआ फिर भी ऐसा जा रहा छतों से लगा हुआ, जैसे सीजन में उड़ता ना सर्दियों, ऐसे सर्दियों के अंदर सीजन बोलते थे, ऐसे कबूतर लगा जा रहा है छतों से भाई। एक जोरदार तालियां हमारे भाई के लिए भी भाई, और
बहुत बढ़िया कबूतर उड़ा भाई। और ये भाई है जो बच बच के भागने वाले हैं दीपू भाई, ये मेरा भाई पीतमपुर से आया सिर्फ शौक देखने अपने उस्ताद का, और कबूतर देख के उस्ताद जी से किया दीपू भाई कबूतर में क्या। बहुत बढ़िया कबूतर उड़ा भाई, इतनी गर्मी में देखा तुमने शौक ऊपरते दीपू भाई पट कितना नहीं उतरे पड़ते बहुत ज्यादा पड़ते सैलानी जो बताया वो सही दूसरी मंजिल पे था भाई बहुत बड़े देखो आने वाला। और ये हमारे टिंकू भाई की तो भाई कोई खुशी की कोई इम्तिहान नहीं टिंकू भाई की। टिंकू भाई जो चल लेता करके अरे ये बताओ टिंकू भाई ने खलीफा ले ली तुम्हें बुला भाई। मैं जा नहीं पाया भाई, मेरे भाई से गलती हुई भाई, मेरे टाइम मेरी परेशानी बता मैं तो अगली दफा मैं अपने भाई के पास जरूर जाऊंगा। टिंकू भाई जो है उस्ताद बब्बी तालीम से खलीफा मिली है, मेरे भाई मैसेज मेरे पास आ गया था पर मैं नहीं जा पाया बिल्कुल, और अगली दफा मेरे भाई के लिए टिंकू भाई को बुलाओ। और कितना पड़ता कबूतर कैसा था भाई, भाई देखना क्या था भाई, सलानी देख रहे थे भाई, कोई कमी तो थी नहीं कबूतर के अंदर, कबूतर ने अपना हर रंगत हर हाथ दिखाया, अच्छा दिखाया, पट भी था, खूबसूरती सारी थी। अरे आप खुद गर्मी के खिलाड़ी हो, एक गर्मी के खिलाड़ी होने के नाते इस कबूतर में ऐसी कौन सी खूबी नजर आई जो कि आम कबूतर में नहीं देखने को मिलती? आम कबूतर को इसलिए देखने नहीं मिलती भाई, एक तो होता सर्दी और एक तो होता गर्मी, ये गर्मी के अंदर उड़ा था जो सर्दी में खेल लगा हुआ था सर्दी के। इसका कबूतर में लड़ाइया लेके कुश्ती लेके छन के जाना कैसा लगा? वो बहुत खूबसूरत लगा मेरे को, क्या अच्छा लगा, हम तो खैर उड़ाते हैं, हमारे उस्ताद का हाथ है, मतलब आपकी अपनी सैलानियों को अच्छा लगा ना इस चीज के लिए भाई। जोड़े तालियों में टिंकू भाई के लिए। और भाई ये हमारे संजू भाई ये करते करता ये थे, ये मेहनत कर रहे थे इनके संजू भाई से मैं ये पूछूंगा, मैंने संजू भाई से कहा वो वाली चक्की लगाओ, ये पूछो संजू भाई कोई चक्की लगाई वाली, हमारे उस्ताद जी ने लिपटे मारी थी, पहला हाथ तो गया था कबूतर पर अगले हाथ जो गया भाई कोई दौड़ नहीं था उसका कबूतर का, ये उड़ाना इनकी, ये उड़ाना संजू भाई। आपसे ये पूछना चाहूंगा गर्मी में देखो सब मेहनत करते हैं सब, आपने इसमें अलग ऐसी कौन सी क्या मेहनत क्या खूबी करी है जो कबूतर में ये रंगत देखने को मिली? उस्ताद जी ने करी है, नहीं उस्ताद जी ने तो आपको जो बताया होगा, उस्ताद जी ने दिया वो हमने करते रहे, जैसे जैसे बताते रहे वैसे वैसे हम करते रहे। अच्छा जैसे कि मैं एक नया खिलाड़ी हूँ, मैंने कबूतर शौक गर्मी उड़ाना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा गर्मी उड़ाने के लिए? सबसे पहले तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपना ख्याल मतलब अपने को मजबूत अपने के लिए मजबूत रखो, सबसे पहले छत पे आप खड़े हो ठीक है, उसके बाद कबूतर होगा। अच्छा सर्दी कहते हैं पहले अपना ध्यान रखो उसके बाद। और कबूतरों के लिए मतलब क्या क्या चीजें जरूरी है गर्मी उड़ाने के लिए कबूतरों के लिए? सर जी के पास है सारी चीजें, ये हमें देते रहते हैं, हम वो चीज करते रहते हैं। मैं खेल की बात नहीं कर रहा, और बहुत सारे रख रखाव की चीज होती है, रख रखाव के एतबार से कबूतर को क्या करना पड़ता है कबूतरों में कुछ अलग से? अलग से तो कुछ नहीं, बस इनको दाना भाई पॉइंट टू पॉइंट एक बात है, जो अपने उस्ताद की इज्जत करेगा रिस्पेक्ट करेगा कबूतर उसी का उड़ेगा, और किसी का नहीं उड़ेगा। ये हमारे उस्ताद बब्बी जी, उस्ताद जी को मुबारक हो, बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत शानदार। एक बात बताओ ये कहीं से हमारे उस्ताद जी कबूतरबाज लगते हैं, ये बताओ कहीं से लगते हैं? मैं बचपन में बन के तो लग ही गए, उस्ताद जी अलग ही फॉरनर लगते हैं हमारे, और ऐसे उस्ताद होने चाहिए और ऐसे ही शागिर्द होने चाहिए। हारून भाई एक चीज बता दूं, ये उस्ताद तो है ही है, दिल्ली की जो सदर की जो कमेटी बनी है उनमें से एक सदर ये भी है उस्ताद बब्बी। भाई मैं मानता हूँ पर अभी तक कोई कानून नहीं बना, कोई कानून बनना चाहिए किसी भी। चलो हम कानून के एक्सपर्ट नहीं है, उसकी बाद में करेंगे, बाद में मीटिंग होगी आगे और सख्ती से काम करेंगे हम लोग। बाकी जो रही बात भाई साहब ने पहले पूछी थी, जवाब नहीं दे पाया संजू, सबसे बात जो है ना रख रखाव की बात है, उस्ताद बाद में पहले रख रखाव है, अब रख रखाव नहीं करेंगे कबूतर उड़ेगा ही। तो उस्ताद रख रखाव से क्या मुराद है, क्या होता है रख रखाव में? है कि कबूतर साफ सुथरा रहता है, ठीक है, अब तुम घर जान साफ नहीं करे कबूतर बीमार रहेगा। अच्छा साफ सुथरा रखोगे तो कबूतर सही रहेगा, चुस्त रहेगा। एक चीज हो गई कि जाल साफ रहना चाहिए, कबूतरों का पानी बदलो, कुंडियां साफ करो। गर्मी में कबूतरों कितने दिन कितने टाइम पानी बदलना चाहिए? मेरे हिसाब से तीन टाइम देना चाहिए, तीन टाइम पानी बदलना, सुबह दोपहर को और शाम को। अच्छा सादा ही पानी, जैसे हमने कोई बना अपना ठंडा पानी रखा है सुबह में, तो वो तीनों टाइम वो बना हुआ पानी रखा जाएगा या बाकी टाइम सादा? नहीं जो बना हुआ पानी वही रखो। अच्छा तीनों टाइम वही बना हुआ पानी रखा जाएगा बदल बदल के? या तुम्हारा रखरखाव ऐसा है कि एक ही कुंडी के अंदर तीनों टाइम का हो जाता है, कोई ऐसी कुंडी बना रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, कुंडी सूखनी नहीं चाहिए, ठीक ठीक, और उसके अंदर बीटे वगैरह नहीं आनी चाहिए। ये बात मतलब कहने का ये है कि कबूतर के हलक में जो है वो बना हुआ ही पानी जाए जब भी वो पानी जाना चाहिए,
और नान उसको टाइम पे दो। अच्छा, अब आप दौड़ा रहे हो, जाकर कबूतर नान मांग रहा है, तुम नान नहीं दे रहे, ये बातें देखना बहुत जरूरी है। दौड़ाते टाइम कबूतर को कम से कम कितने दिन में नहा दे देना चाहिए? 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद तो उसमें भी उस्ताद जी कुछ बना हुआ होता है, सादे पानी का होता है? पका के देते हैं, उसमें भी सामान होता है डाला हुआ? ठीक है, पका के देते हैं। और उसके अलावा बाजरा दाना चिकना उस्ताद जी के गर्मी में क्या बाजरे का होता है, रोटी का? दोनों चिकना देते हैं हम लोग। अच्छा, बाजरे का भी देते हैं और रोटी का भी देते हैं। ठीक है, रोटी का बहुत कम देते हैं। ठीक है, बाजरे का ज्यादा देते। तो क्या वजह है उस्ताद जी गर्मी में जो है रोटी का चिकनाव ना देना, कि क्या वजह है? कबूतर भारी हो जाता है। अच्छा, रोटी से कबूतर भारी हो जाता है, और गर्मी में जो है कबूतर जितना हल्का हो उतना अच्छा, जितना हल्का होगा उतना उड़ेगा, अच्छा उड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो हम उस्ताद से डिटेल में कभी अभी मुलाकात होगी, उस्तादों की कहानी उस्तादों की जबानी सीरीज में उस्ताद से मुलाकात करेंगे। फिलहाल तो उस्ताद से यहाँ के इसके आज के कबूतर के बारे में, उस्ताद आपने जो अपना जो भी खेल पानी आपकी सरपरस्ती में उड़ा है, तो कैसा आपको महसूस कर रहे हैं कि आपके बच्चों ने नाम रोशन करा? ऐसा मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा कंधा जो 1.5 इंची ऊंचा हो गया। अच्छा, ये बच्चों ने नाम मेरा ऊंचा करा कंधे तो। और बाकी ये बच्चे जो है ना, मेरे को 15 दिन पहले ना मैं इनको जानता था ना ये मुझे जानता। अच्छा, 15 दिन पुराने जो है शागिर्द थे। भाई वाह वाह, ताली मारा भाई। एक बार कबूतर सर्दी में बच्चा उड़ाया, कबूतर को गर्दी में भी उड़ाया, पानी में से बनवा के ले जाते थे संजू भाई, और यही करते थे। तो आपने इससे पहले भी कभी गर्मी उड़ाई है? तो अब भी ऐसे उड़ता था? तो क्या फर्क आया फिर उस्ताद से, जब आप कह रहे हो पहले भी ऐसे उड़ता था? अब ज्यादा अच्छा उड़ा, बहुत बढ़िया। लेकिन उस्ताद ने 15 दिन में आपका कबूतर चालू करवा दिया, ये वाकई कमाल की बात है। और संजू भाई आते थे मेरे पास, और यही मेहनत कर रहे थे। अब इन्होंने मुझे कहा आपका आना जरूरी है उस्ताद जी, एक बार तो आओ। तो एक बार पहले कहा कि ये कबूतर उड़ाने हैं, हमने अपने भी छोड़ दिए कबूतर। संजू भाई जी मेरा बल्कि मैं दो कबूतर निकाले थे लाल में जागरे। अच्छा, निकले घर में वो रोक दिए, ये चालू किए, ये हमारी कबूतर उड़ाने अपने वाले अपने रोक दिए, इनको चालू करा, अपने कल से चालू करेंगे। कबूतर बहुत बड़े उड़ा, तब खुश हो गए कबूतर। आपके तो खुशी राम भाई के सामने वाली जो छत है वही है ना? अच्छा, इनका भी शौक लागे की तबीयत खुश हो गई। हारून भाई, आप इतने शौक देखने जाते हैं, आप बताइए आपको कैसा लगा, क्या क्या कहना चाहेंगे आवाज के शौक के बारे में? कबूतर जो आज जितना पड़ के उड़ा है ना कबूतर, कबूतर तो मैंने बहुत देखे सर्दियों में। अच्छा, गर्मी में नहीं, गर्मी में देखो ये ये समझ लो बर्फ ही गिर रही है सर के ऊपर, बर्फ यहाँ से ना ऊपर से बर्फ गिर रही है, नीचे ठंडक पड़ रही है, ये बर्फ, यानी कि ठंडक ऐसी महसूस हुई है कि मैंने ऐसा शौक नहीं देखा भाई। इतना पट, भाई वाह, इतना पट जो कबूतर जो हारून भाई के लिए ताली बजा दो यार, ताली मत बजाओ, ताली बजाओ भाई। इतना पट भाई बहुत बड़ा, और देखो भाई सबसे बड़ी बात क्या है, मेहनत, जो इंसान मेहनत करता है ना उसकी मेहनत रंग लाती है। और 4 आदमी आने के बाद कबूतरबाजी के अंदर है, आने वाला ताली बजाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं बजाए तो यार वो देख के नहीं है। हमेशा शौक अपने लिए करो, किसी को दिखाने के लिए शौक मत करो, जो देख रहा है देखता रहे। और भाई सबसे बढ़िया जिसका पड़ोस बढ़िया वो सब कुछ बढ़िया, बस सब कुछ बढ़िया होना, सब कुछ खाना खराब। देखो शौक होता है अपने लिए, मैं कई बार कई मौकों पर ये बात कह चुका हूँ, अगर किसी की शर्तों पर आपको कबूतर उड़ाना है तो वो पर्चियों के साथ उड़ता है। आप जबानी किसी कोई कुछ भी कहते ऐसा गया वैसा गया, उसकी किसी बात का कोई आपको जो है ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की बातों का ध्यान देना है तो वो दिया जाता पर्चे के हिसाब से। पर्चे में लिखवा ले भाई, तू भी उड़ा ले मैं भी उड़ा लूं, तब होगा। ऐसे हवाई हवाई में तो फिर आप किसी की शर्त पूरी नहीं कर पाओगे, सो मुंह सो बातें होती हैं। ठीक है, अपना चलो अपना ही देखते हैं। ऐसे 50 साल पहले मैं पाकिस्तान वाले घर से कबूतर उड़ा रहा था, सारे लाल बंदे पीले गंडों की, तो उस्ताद पारे पार्टी के खलीफा कयूम भाई, वो कहीं आगे से देख रहे थे कहीं से किशनगंज से, तो मेरे पास आए, वो मुझे कहने लगा कबूतर तो बहुत बढ़िया उड़ रहा है, लेकिन इसको ऊंचा करो, बहुत पटका रखा तुमने। तो मैंने भाई पट पे तो सारे खुश होते हैं कि बहुत बढ़िया उड़ रहा है, पट पहले आदमी देखे मैंने, आप जो कह रहे हो ऊंचा करो। तो हर तरह का बंदा, हर तरह के अपने उसके विचार हैं, कुछ भी कुछ बोल सकता था किसी को। बात एक हाथ तो बड़ा बिल्कुल ऐसा लग रहा घर में घुस गया, रोज ही घुस रहा है, तो आज बहुत ज्यादा था। सुरेश की छत में मज्जों वगैरह सब देख रहे थे, कह रहे झुक के देखना पड़ता कबूतर इतना नीचे कर रखा। चलो वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। नदीम भाई भाई, नदीम भाई, नदीम भाई हमारे सारे खलीस हैं, ये भी बहुत शौक देखते हैं, गर्मी भी इन्होंने भी उड़ाई, बड़ी मेहनत करी है। नदीम भाई कबूतर कैसे? मजा आ गया, जाल से खुलते कबूतर जो गया ना सबसे बढ़िया वो,
टाइम नहीं लगा कबूतर नगर। देखो भाई कबूतरबाजी ये है, आने वाले ने तारीफ करी बस मजा आ गया, और खाने मालिक का और उड़ाने वाले की छाती चौड़ी हो गई भाई। ये हमारे गौरव भाई है, गौरव भाई कबूतर लेंगे उस्ताद अख्तर तालीम के, और आज नंबर वन उस्ताद अख्तर तालीम नंबर वन इस टाइम। हाँ जी उस्ताद कैसे उड़ा? नहीं कबूतर बहुत बढ़िया उड़ा जी उस्ताद जी का, और बाकी जो सबसे अच्छी खूबी लगी उस्ताद कबूतर लड़के जो छनके गया वो काबिले तारीफ, वो बहुत बढ़िया। ये हमारे रियान भाई है भाई, इजाज़ पहलवान के भाई, इजाज़ पहलवान हमारे गर्मी के अंदर भाई बहुत बढ़िया शौक करते थे, बहुत बेहतरीन शौक करते थे। ये भाई उनके हाथ का है समझे, जो भी कुछ दिया है ना वो इसको सिखाया इन्होंने। यार कैसा कबूतर कैसा उड़ा, बहुत मजा आया, जवाब नहीं दी हतो चिपका वाला जवाब नहीं कबूतर का। बस भाई सबसे बड़ी बात क्या है, आने वाला तारीफ करे बहुत बड़ी भाई आपका, बहुत बढ़िया जी। हमारे उस्ताद का तो ऐसे ही जाता है, हर साल सर्दी हो गर्मी हो कोई सीटी वीटी किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ऐसे ही जाता है छन के जाता है। कितने साल हो गए आपको? मेरे को उस्ताद जी के साथ 18-20 साल हो गए, 18-20 साल से एक ही तालीम मिल रही है, एक ही तालीम। बहुत से लोग तो होते हैं तालीम मिल रही है, लास्ट टाइम बाप एक होना चाहिए लास्ट टाइम तक। ये पंडित जी उस्ताद के भाई हैं भाई, जोरदार तालियां भाई के लिए, जोरदार मजा आ जाए भाई। 20 साल हो गए भाई, 18 साल हो गए, घर की उस्तादी है पंडित जी के भाई है ये। अच्छा पंडित जी जो है, अच्छा बहुत बढ़िया। चलो जी आइए आप स्वागत, उत्तम नगर से भाई, उत्तम नगर से शॉप देखने यहाँ पर आए हो? अरे भाई खलीफा हमारे, खलीफा जी कबूतर कैसा उड़ा हुआ? बहुत बढ़िया, जवाब नहीं कबूतर जी का भाई, जी भाई कबूतर कैसा उड़ा है? बहुत बढ़िया कबूतर, कोई बात नहीं, 5-6 दिन की तो बात है। कबूतर बहुत बढ़िया, छतों से लगा हुआ था, बिल्कुल छतों से ऐसा उड़िया बच्चा भी छक्का मार लेगा। सुल्तान से कैसा हुआ? नहीं देखो ये तो सब, ये तो सैलानी बताएंगे, मैं तो कुछ नहीं। चलो चलो आओ, स्वागत स्वागत सम्मान की बारी है, भाई उस्ताद का स्वागत करते हैं। दोनों मेहनत कर रहे हैं, और ये संजू भाई कहाँ हैं? ये भाई ये हमारा अजीज है पुराना, और इन्होंने मेहनत करके एक कबूतर उड़ाया है, और स्वागत कर रहे हैं ये अपने भाई विनय भाई है भाई, ये डिप्टीगंज से जो भाई आज इनका कबूतर रोका गया है भाई, और भाई है विनय भाई, आज कितने का स्वागत कर रहे हैं भाई? 2100 घंटा भाई, अपने उस्ताद को नजराना दे रहे हैं। प्रणाम भाई, तालियां भाई, और एक फूलों के हार से, और एक मिठाई के डब्बे से, तालियां भाई। संजू भाई का भी स्वागत कर रहे हैं विनय भाई, और भाई छत के करते करते भाई यही थे भाई, इनकी बड़ी मैच सारी इनकी एक हमने कहा था भाई, इन्होंने हौसला दिया, हौसला इन्होंने दिया, इन कालों में खड़ा हूं भाई, तालियां भाई, एक कंठा और एक मिठाई के डब्बे से भाई। और कुछ विनय? एक मिनट आओ ना, क्या नाम कर रहे हो? उस्ताद विनोद सिंह, उस्ताद विनोद के बेटे हैं, उनके बेटे हैं, उस्ताद विनोद के बेटे हैं। 251 लाके पढ़ाई के डिब्बे से उस्ताद जी का स्वागत शो करते लाके भाई, ये बहुत बढ़िया कबूतर उड़ाते हैं, पटियाले एक रंग के कबूतर उड़ाते हैं, बहुत अच्छे कबूतर उड़ाते हैं। आयो भाई कोई और हो तो मोंटी 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 भाई, संजू भाई की तरफ से स्वागत कर रहे हैं भाई, वेरी गुड। और खलीफा, और खलीफा जी दार भाई जानी के खलीफा भाई, ये भी स्वागत कर रहे हैं भाई। उस्ताद कहाँ गए, नीचे नहीं आए? ये संजू भाई का भी स्वागत कर रहे हैं भाई, क्या नाम है भाई? नाम बताओ। आशीष, आशीष भाई स्वागत कर रहे हैं। आशीष भाई मेरे ताऊ के लड़के हैं, अंसारी के भाई, मेरे ताऊ के अंसारी के लड़के। हाँ ऊपर ही, वहाँ ऊपर ही, वहीं वहीं भाई मेरे अपने अजीज संजय भाई को। हाँ ये अपना कैसी बात है, दो मिनट छोटा भाई है, बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है इन दोनों भाई को ले, ये किसी ने नहीं भाई, अच्छी बात है भाई, मेहनत करी है भाई, लगे बताइए। उस्ताद अख्तर तालीम की तरफ से भाई एक मिठाई का डब्बा कंठे के साथ भाई, ये विनय भाई का भी कर रहे हैं भाई।
नदीम भाई है भाई, नदीम भाई है सदर से, सदर बाजार से भाई है, स्वागत कर रहे हैं भाई। भाई भाई नदीम भाई बड़ी जोर का उड़ता है कबूतर, इनका ही बट होता है, बहुत बढ़िया शॉप है भाई, वेरी गुड। आ जाओ भाई, मचो भाई, आगे आ जाओ, आगे जाओ। आप बोल भाई, आप तो ग्लो पतला हो यार, सेम इतना कितना पतला कर रहा है, उसके साथ बोल भाई है भाई, अपने मलकागंज से भाई, ये भी स्वागत कर रहे हैं भाई। जोर भाई क्या हाल है, खैरियत है? और खाली भाई खैरियत से, अपने संजू भाई का भी स्वागत कर रहे हैं भाई, यारून भाई भाई बहुत लाजवाब को चढ़ाया था जी, आजाद मार्केट के अंदर डिप्टीगंज के अंदर बहुत लाजवाब को चढ़ाई फर्स्ट क्लास। अरे ये हमारे मूली भाई है भाई, मूली भाई खास है, बहुत खास, रोज आए मेरे साथ, रोज रोज आएंगे मूली भाई की बड़ी मेहनत है, मूली भाई रोज आए, हमारी मेहनत थी यार, रोज आए संजू भाई, ये भाई मेरे सारे निकल निकल क्या नाम भाई? ये साहिल भाई है, साहिल भाई, ये साहिल भाई भाई है हमारे, ये हमारे इलाके के भाई, बहुत छोटे लगते हैं इलाके की तरफ से, स्वागत कर रहे हैं भाई, इलाके का स्वागत। ये भाई आज हमारा साकेत है भाई, उस्ताद अपने डांस ग्रुप का स्वागत कर रहा है भाई, एक मिठाई के डब्बे से 101 रुपए से और एक कंटे से। ये रिंकल भाई, ये भी हमारा शागिर्द है भाई, अपने दांत गुरु का स्वागत कर रहा भाई, एक कितने भाई 201 रुपए, 251 रुपए एक मिठाई के डब्बे से, बहुत बढ़िया। और कोई है भाई? आ जाओ भाई, आओ संजू भाई का, ये संजू भाई के पड़ोसी भाई, खास है ये भी, इनका भी समय चालू है 5:30 बजे। हमारे दीपू खलीफा जी, दीपू खलीफा जी प्रीतमपुरा से, इनका भी स्वागत हो रहा है, खलीफा जी का स्वागत कर रहा हूँ। और ये हमारे सोनू खलीफा जी, और हमारे तालीम के सबसे छोटे खलीफा जी विजय खलीफा जी, हमारे मज्जो खलीफा जी बीच में आए, लेफ्ट डब्बा पकड़ियो, ये तो सही है, हमारे मज्जो खलीफा जी, ये तो सही नंबर लग गया, सही टाइम से पहुंच गए, इन्होंने एंट्री लेट करी है, टाइम से करी है, लेट नहीं करी है। और कोई खलीफा भाई? गौरव खलीफा जी, गौरव खलीफा जी, गौरव खलीफा जी का स्वागत कर रहे भाई, तालीम उस्ताद दफ्तर, तालीम उस्ताद दफ्तर। और कौन खलीफा? नदीम भाई, नदीम भाई, नदीम खलीफा जी आओ, ये नदीम भाई का स्वागत कर रहा हूँ, सदर से नदीम भाई है, बहुत बढ़िया आदमी नदीम भाई भी, फिर कह रहा हूँ बहुत पछड़ता है इनका भी। आओ आओ खाली भाई, आओ आओ ना, अरे आओ यार, हो गया ये, हो गया तो यार मिले। ये मनमोहन भाई है पार्टी दिवस से, इनका स्वागत कर रहा हूँ, दौड़ाते भाई बहुत अच्छा को दौड़ते हैं, बहुत अच्छा को दौड़ता भाई, जोर भाई कैमरा भाई, सारे जोर भाई का स्वागत हो रही है भाई साहब, सब देख लो भाई साहब, ये हमारे जोर भाई का स्वागत हो रही है, बहुत लोगों का हौसला अफजाई करते हैं भाई, बहुत बहुत शौक का बढ़ावा देते हैं भाई, जवाब नहीं है इनका, तालीम को भाई पूरा सहयोग, हर सीजन सपोर्ट करते हैं भाई, हर सीजन सर्दी का भी ना गर्मी का भी हमेशा बुक रहते हैं ये, कितनी सलमान खान की बुकिंग नहीं होती, कितनी बुकिंग इनकी होती है। अरुण भाई, अरुण भाई, ये हमारे अरुण भाई, भाई भी कैसा है भाई का, वैसे इनका भी चैनल, भाई का भी ऐसी है, बहुत बेहतरीन चैनल, बहुत बढ़िया आदमी अरुण भाई, बहुत ऑफिसर करते शौक के, बहुत बढ़िया, ये भी शौक के भी है, सात समुंदर पार से जाते हैं अरुण भाई, बहुत शौकीन आदमी अरुण भाई, उधर वहीं जाता हूं, जहां मेरे दिल में जाता हूं, मैं नहीं जाता, बहुत बढ़िया आदमी अरुण भाई, शौक लेके जाता भाई, सही बात है। अच्छा इनका ये हाल लेते भाई, संजू भाई, भाई कौन है?
संजू भाई उस्ताद जी का स्वागत कर रहे हैं भाई। उस्ताद जी का देना, उस्ताद जी का 500 रुपए एक प्लेट। उस्ताद जी का मान सम्मान देना, उस्ताद जी का मान सम्मान देना। भाई हमारे उस्ताद विरोध है, वो आए नहीं, यात्रा पे गए थे तो आए, वो थक गए थे, ये उनका मान सम्मान देना है। उस्ताद भाई उनके बेटे हैं, बहुत अच्छा शौक करते हैं, बहुत बेहतरीन, एक रंग का शौक दौड़ाते हैं, शंका आठ आठ दस दस मिनट को उताता भाई इनका, बहुत बेहतरीन जी का मान सम्मान ही है, इनके बेटे को दे दिया उस्ताद जी का। और कोई भाई? और एक मिनट, ये भाई हमारे नमो भाई, ये भाई हमारे नमो भाई, उस्ताद जी स्वागत कर रहे हैं भाई, फिर तालियां हो जाए भाई आज के शोक के लिए, बहुत जबरदस्त जोरदार। ये मोली भाई का स्वागत है, मोली भाई ने भी भाई एक घंटे से वो डाल लो भाई, बड़ी मेहनत है इनकी, सारे डाल दो ना यार। भाई मैं भी स्वागत कर रहा हूँ भाई, ये मोली भाई, ये संजू भाई को पकड़ के लेके आए भाई, आज का नेता कैसा हो, हमारे मोली भाई ऐसा हो भाई, ये भाई है हमारा, साथ में रहता है भाई हमारे, बिल्कुल शौक करता है, बात में बहुत लगा रहता है, ये मेरे साथ के अंदर जो बात है, ये मेरे साथ साथ रहता है भाई, बिल्कुल बहुत ये भाई है अपना, ये भाई चतुर भाई का स्वागत कर रहे हैं भाई, तालीम उस्ताद बब्बी, तालीम उस्ताद भाई, चतुर भाई कहाँ चले रहे, और ये होता है जिनसे उस्ताद खेल पूछते हैं, खेल पूछते हैं भाई, मतलब छुपर उस्ताद नहीं है, बहुत राइट बात है भाई, बड़े बड़े उस्ताद हमारे भाई दिल्ली के अंदर है, पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, गंदी हो जाएगी। कहाँ रहते हैं ये? ये हमारे मंगलपुरी में रहते हैं भाई, हमारे बड़े भाई है, छत्र भाई, अगला टूर मंगलपुरी का क्या? दादा भाई को किसने बैठे हैं? आज हमें संजू भाई के लिए जाना था वहाँ पर, डिप्टीगंज के अंदर 8 महीने की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन हम किसी वजह से फंसे हुए थे दादा भाई और मैं। जब हम पहुंचे घर के ऊपर तो हमें हो चुके थे लेट, सिर्फ 2 मिनट रह गए थे कबूतर खोलने के लिए, तब दादा भाई ने कहा कि अच्छी जो भी कुछ करना बाद में कर देना, लेकिन हम बीच में जब जा रहे थे तो हमें कंटा और डब्बा मिल गया था, जिसका स्वागत हमने वहाँ संजू भाई का कर दिया था, लेकिन मेरी अपने दिल की खुशी थी कि वो संजू भाई का अपने कंठे से स्वागत करूँगा, कंठा मिल नहीं पाया, दुकान से हमें टैब मिल नहीं पाया, तो अभी मैं दादा भाई के ऑफिस में आया हूँ, जिसका स्वागत मैं संजू भाई को नकद 2100 रुपये से करूँगा, और दुनिया ये कह देती है कि भाई आपस में यारी दोस्ती के अंदर बोल भाई, ताली बजाओ, तालियां, ऐसा ताली बजाओ, हम मंदिर के आगे बैठे हैं, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं कहने के लिए, मेरा दिल खुश है, मैं संजू भाई का नकद 2100 से स्वागत करता हूँ, और सिर्फ बात है ना, भाई खड़े हो भाई, बड़ा नहीं भाई, संजू भाई से मैंने कुछ बात कही थी, संजू भाई ने कहा कि आशीष भाई बहुत मना कर रहा है, 500 ये संजू भाई का पर्स है, दिल खुश कर दिया इन्होंने, तो ये था दोस्तों पूरा कंप्लीट शो 11 तारीख का, जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर शोक था और सेकंड पार्ट में स्वागत और सम्मान था, तो यकीनन आपको पसंद आया होगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से जाके फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।